न्यूजीलैंड में इसी साल अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले अचानक से प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वो 7 फरवरी को पीएम और लेबर पार्टी प्रमुख का पद छोड़ देंगे। इसी महीने 22 जनवरी को उनकी जगह पर नया पार्टी चीफ चुना जाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ग्रांट रॉबर्टसन ने कहा है कि वे पार्टी प्रमुख के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। नेपियर में लेबर पार्टी के प्रोग्राम में उन्होंने इस्तीफे की बात कही। अपनी स्पीच के दौरान जेसिंडा भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि मैं यह महसूस कर रही हूँ कि मैं अगले कार्यकाल के लिए तैयार नहीं हूँ, और ऐसी बड़ी जॉब के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। For my part, I want to finish with a simple thank you to New Zealanders for giving me this opportunity to serve and to take on what has and will always be the greatest role of my life. I hope in return, I leave behind a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused, that you can be your own kind of leader, one that knows when it's time to go.